गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को एक बार जल्दी से सभी कंफर्म कर दो कि क्या मेरी वॉइस सबको आ रही है। कहीं रहे नहीं क्या यस मैम। आज उन्हें ओके, अगर मैं विजिबल कि मेरे को एक बार सेकेंड अभी स्क्रीन एक बार बता देना जल्दी से सभी कि क्या विजिबल है। यस मैम। ओके, ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स मेरे को एक बार जल्दी से आप लोग कंफर्म करिए कि आप किस किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक आप एचपी टीजीटी कमीशन के लिए मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नॉन मेडिकल के लिए, या फिर आप आर्ट्स के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं। पीजीटी नॉन मेडिकल मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टीजीटी नॉन मेडिकल। ओके, बाकी भी कंफर्म कर दीजिए मेरे को। गुड इवनिंग मैम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी कमीशन मेडिकल। ओके गुड इवनिंग मैम। टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन। ओके, नॉन मेडिकल मेडिकल। ओके, बाकी भी बता दीजिए मेरे को, चाहे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैम ओके, साथ टीजीटी। केवीएस पीजीडी केमिस्ट्री की भी तैयारी कर रहे हैं मैम। देखिए, हम लोग आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि हम लोग आज डिस्कस ही यही करेंगे। हमारा मोटो आज का मेरा यही है कि आप लोगों को गवर्नमेंट टीचर बनाना है। ठीक है, वो आप कैसी कैसी, अभी जैसे हिमाचल में वैकेंसीज आ रही हैं, केवीएस में वैकेंसीज आ रही हैं, अभी 1500 वैकेंसीज चंडीगढ़ में भी निकलने जा रही हैं। तो हम लोग सब चीजें इन डिटेल आज आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे कैसे प्रिपेयर करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि सभी स्टूडेंट का मेन मोटो है कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है। ठीक है, बट उसके बीच में आप लोग स्ट्रगल करते हो। लाइक मैक्सिमम आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो जॉब करते हैं। ठीक है, या फिर लाइक मैरिज हो गई है, बच्चे हैं। ठीक है, स्टिल आप लोग साथ के साथ बच्चे भी हैं, जॉब भी करनी है, घर का काम भी करना है, बहुत सारी हैं कि आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास राइट सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप रह जाते हो, गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाते। तो वो हम लोग सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट हैं, हम लोगों का आज का मोटो ये था कि सीक्रेट शेयर करेंगे कि जैसे ये सारे बच्चे अभी 10-12 दिन पहले अभी एक पीजीटी फिजिक्स के रिजल्ट आए हैं, अब इन बच्चों ने कैसे, ठीक है, कौन सा सिलेबस पढ़ा, अपना टाइम शेड्यूल कैसे बनाया, अपना स्टडी प्लान कैसे बनाया, ठीक है, कौन से टेस्ट दिए। तो हर एक चीज आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसे ये है कि इंदु एकता लड़की है, इन्होंने जॉब करते करते अपनी तैयारी स्टार्ट की, कितने मंथ्स इन्होंने दिए। ठीक है, ये भी हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। जैसे अब ये इंदु लड़की है, ये रैंक 6 लेके गए हैं, बट आप ये लगा लो इनके पास लास्ट चांस था। आप में से भी कई होंगे जिनकी एज लाइक 38 40 ऐसे पहुंची होगी, बट स्टिल लास्ट चांस आपके पास पेपर क्रैक करने का। तो कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अब बच्चे हैं, उनके साथ आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अभी शादी हो गई, शादी के बाद आपका गैप डल गया। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उस गैप को आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट आता है कि आपके पास सिलेबस कौन सा पढ़ना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि सिलेबस कौन सा पढ़े कि आपका पेपर क्रैक हो जाए। तो उसके लिए 1 मिनट, यस, तो सिलेबस कौन सा पढ़े। ठीक है, अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 11th 12th का सिलेबस पढ़ रहे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एचपी टीजीटी कमीशन के लिए तैयारी करने जा रहे हैं ना, तो पहली चीज जो सिलेबस है वो 30% आपका रहेगा 11th 12th से, और 70% आपका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का आने जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो राइट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा पहले, अगर पेपर क्रैक करना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो बाद की बात है। तो जो सिलेबस है वो आपको 30% आना चाहिए, +1 +2 में से आएगा,
और 70% आएगा ग्रेजुएशन का। इसका मतलब कि हमें +1 +2 से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक, हमें 11th से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना पड़ेगा अगर आप टीजीटी कमीशन का पेपर निकालना चाहते हो, अगर आप टीजीटी की गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अब मैक्सिमम देखो, आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए, वो सारे 11th 12th से आए हुए हैं, तो वो तो हो गए हमसे, तो 11th 12th का पढ़ लेते हैं, पेपर क्रैक हो जाएगा। बट सारी गलती यहीं पे है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मिस्टेक्स भी देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आप ऑलरेडी अभी कर रहे हो प्रेपरेशन के दौरान। सबसे फर्स्ट गलती तो आप यही कर रहे हो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देख रहे हो। आपको मैं लास्ट में जाते जाते, आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट होगा हमारी मेरी तरफ से, कि मैं आपको, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल के हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 1991 से लेके 2020 तक, जितने इस 30 साल में पेपर आए हैं, सब पेपर्स की मैं आपको PDF शेयर करूंगी। साथ ही साथ इनका वीडियो सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी। ये आप लोगों के लिए वेबिनार ज्वाइन करने का गिफ्ट होगा। बट आप इसमें देखोगे कि लाइक कि सारा का सारा 11th 12th से आया हुआ है, इन डेप्थ 11th 12th से है। बट जो अभी 5 साल बाद पेपर होने जा रहा है, ठीक है, अभी आपका 2020 के बाद 5 साल बाद पेपर होने जा रहा है, कितने बच्चों ने, ये हमारा सर्वे है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने BEd किया, और इतने बच्चे हैं जिन्होंने, 1000 तो बच्चा हमारे पास ही होगा जिन्होंने HP TET निकाला है, तो वो कितनी रेशो है, ठीक है, कि जिन्होंने पेपर निकाला है इस बार इन 5 सालों में। क्योंकि जितना देखो कॉम्पिटिशन अप जाता है, उतना ही आपका एग्जाम का लेवल अप चला जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि क्या हमें 11th 12th से ऊपर ग्रेजुएशन तक जाना पड़ेगा। अब मैं भी ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये क्यों जाना पड़ेगा, वो इसलिए जाना पड़ेगा, आपको एक, अभी मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे आपके भी अगर घर में से कोई पेरेंट्स वगैरह होंगे जो गवर्नमेंट टीचर होंगे, ठीक है, जैसे मेरे बुआ जी हैं, वो एक गवर्नमेंट टीचर है, लेक्चरर है स्कूल में। तो अगर मैं अपने बुआ जी की बात करूं, उन्होंने क्या कोई टीजीटी कमीशन का पेपर दिया था? नहीं, उन्होंने कोई टीजीटी कमीशन का पेपर नहीं दिया था। उन्होंने क्या किया, जस्ट ग्रेजुएशन किया प्लस बीएड किया, और बीएड में मेरिट के बेस पे उनकी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। बीएड में मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई इतने ज्यादा अवेयर अवेयर तो होते ही नहीं थे कि बीएड भी करनी है, ठीक है। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने बीएड की होती थी, बीएड के बेस पे वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी उन्हें। बट जैसे जैसे इयर्स पास होते गए, वैसे वैसे क्या है, बच्चे बीएड की तरफ ज्यादा आने स्टार्ट हो गए। फिर बीएड की तरफ ज्यादा आने स्टार्ट हो गए, जैसे अभी जो गवर्नमेंट है उनके लिए सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा सा वो चला गया, क्योंकि बीएड वाले इतने स्टूडेंट है, मेरिट से भी सेलेक्ट करना मुश्किल हो गया था काम। फिर उन्होंने क्या किया, HP TET निकालना स्टार्ट किया। HP TET एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा, जिसके बेस पे फिर वो गवर्नमेंट जॉब देनी स्टार्ट की। बहुत साल HP TET के बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब लगी है, ठीक है, HP TET के बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब मिली। बट अब फिर थोड़े से ईयर और पास गए, HP TET में भी बहुत सारे बच्चे निकलने स्टार्ट हो गए जिन्होंने HP TET निकालना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि HP TET पहले क्या था, 9th 10th से आ रहा था, 9th 10th का सिलेबस रखा गया था, फिर उसको 11th 12th पे लेके गए, ठीक है। बट फिर भी सिलेक्शन प्रोसीजर डिफिकल्ट हो गया कि इतने बच्चों में से हम लोग कैसे सिलेक्ट करें। फिर 1991 में स्टार्ट हुआ था HP TGT कमीशन, स्टार्ट हुआ था कि एक, जो भी बच्चे ने बीएड करी होगी, HP TET निकाला होगा, फिर एक कमीशन का पेपर रखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिलेबस क्या था, बहुत ऊपर ऊपर से +1 +2 का आना स्टार्ट हुआ था। HP TGT में स्टार्ट हुआ था +1 +2 से आना, ठीक है। बट फिर जाते जाते बहुत डेप्थ चला गया, 30 सालों में कितने ही पेपर हुए, उसका लेवल हर साल इंक्रीज होता गया, हर बार बढ़ता गया, और अभी जो लेवल आएगा ना, उसमें 5 साल का गैप पड़ गया है। अभी जो कमीशन होने जा रहा है, उसमें 5 ईयर्स का गैप पड़ गया। इस 5 ईयर्स में इतने बच्चों ने पेपर निकाला है कि जो आपका लेवल है ना, वो 11th 12th से ग्रेजुएशन तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास लाइक बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं कि मैम मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट उनसे यही होता है कि क्या आप राइट सिलेबस पढ़ के आए हो, जो अगर आपने पेपर देना है तो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लो सभी, कि अगर आपने
अभी जो कमीशन निकलेगा उसमें क्रैक करना है ना पेपर, तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाना पड़ेगा, और उसका रीजन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। क्योंकि हो सकता है इस बार जो आपका पेपर है शिमला से लिया जाए, प्रपोजल गया है अभी नहीं हुआ है, ठीक है ठीक है। तो अगर शिमला से पेपर हुआ तो उसका लेवल और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम होंगे जो बच्चे लाइक जिन्होंने अभी शायद लेक्चरर का पेपर दिया हो, जो लास्ट ईयर अभी शिमला में हिमाचल में वैकेंसीज आई थी, तो मैक्सिमम होंगे जिन बच्चों ने दिया है उनको पता है एमएससी का आया था टोटली। पीजीटी का जो पेपर था उसमें टोटली मास्टर्स लेवल थी, टोटली मास्टर्स लेवल था। तो टीजीटी का तो हमारा क्या रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा। तो ये चीज देखो, अब आप अपनी नोट डाउन कर लो कि तीन चीजें होती हैं। देखो, एक एचपी टाट होता है, एक एचपी टीजीटी कमीशन है, और एक हमारे पास एचपी पीजीटी है। तो पीजीटी का तो टोटली लेवल ही मास्टर्स लेवल है, ठीक है। टाट में टोटली आता है इंडक्ट 11th 12th का। तो जो एचपी टीजीटी बचा है ना, इस बार जो लेवल है वो 11th 12th से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक आएगा, ठीक है। तो अगर आपने पेपर क्रैक करना है तो सारी बुक्स उठा लो ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक सब ने बुक्स उठानी है अपनी। अब ये तो रहा, ठीक है, सिलेबस। मैं आपके साथ इस लेक्चर के एंड में आप लोगों के साथ एग्जैक्ट सिलेबस भी शेयर कर दूंगी कि आपने कौन से टॉपिक्स 11th 12th के करने हैं, और कौन से टॉपिक्स हैं ग्रेजुएशन के करने हैं, और कहाँ से करने हैं, वो भी मैं आपके साथ इस लेक्चर के एंड में शेयर कर दूंगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, फर्स्ट सिलेबस तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट आता है ना, वो आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग टॉपिक कर लेते हो, ठीक है, अब हमें ये भी तो देखना है कि वो टॉपिक की कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें से। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करनी है, जो क्वेश्चन बैंक आपने करना है, वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से उठाना है आपको, क्या नीट की प्रेपरेशन करके, नीट होती है ना, जेई होता है, क्या आप इसकी प्रेपरेशन करके टीजीटी कमीशन क्रैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 30% कर सकते हो आप, 30% कर लोगे पेपर, ठीक है, उसमें से नीट की तैयारी करके आप प्रीवियस ईयर के जितने 30 ईयर्स के पेपर है वो निकाल लोगे, बट जो आगे वाले वाला पेपर है वो नहीं निकल पाएगा आपका। तो अगर आप टीजीटी का क्रैक करना है ना, तो नीट जेई की प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ, जितने भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, क्वेरी करते हैं, ठीक है, कि नीट की तैयारी नहीं करनी है आपको। नीट में से बस एक ई हटा दो, नेट की तरफ चले जाओ। अप्रोच अपनी रखो ग्रेजुएशन लेवल तक, पेपर अपने आप निकलेगा आपका, ठीक है। तो हमें जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ना है आपने, तो नीट के क्वेश्चंस नहीं उठाने कि अब नीट के 10-12 साल के पेपर उठा लो, जेई के उठा लो, नीट एडवांस के उठा लो। जो नीट जेई है वो एट द एंड तो देखो 11th 12th पे ही है ना, इससे ऊपर तो उसका लेवल है ही नहीं। तो वो 11th 12th से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, 70% ऊपर जाओगे तब आप पेपर निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ग्रेजुएशन के लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ लो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बेस, जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो सबसे बढ़िया है आईआईटी जाम हो गया, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल पेपर है। गेट हो गया, ये आपका क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पेपर है। तो आप इनके पेपर्स उठा लो, ठीक है। बीएससी की बुक्स पढ़ के आए हो आप, उसमें उठा लो, ठीक है। बीएससी के जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनकी बीएससी की बुक्स होती हैं, उनके पीछे एमसीक्यूज होते हैं, वो ग्रेजुएशन बेस्ड बने हैं, आप उनको उठा लो। तो सेकंड जो पॉइंट मेरा डिस्कस करने वाला था कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पिक करने हैं, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि हमारा पेपर निकले, तो वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के होने चाहिए, जिसमें गेट के क्वेश्चन उठा लो आप, आईआईटी जाम के क्वेश्चन उठा लो, या फिर कोई भी जो ग्रेजुएशन बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं वो उठा लो। क्योंकि जब आप लोग ग्रेजुएशन कर लेते हो ना, तो +1 +2 अपने आप कवर अप हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, जो +1 +2 है वो आपका अपने आप कवर अप हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ +1 +2 करके सोच रहे हो कि पेपर निकालना है, वो दिक्कत वाली बात है। देखो, मेरा सेम फील्ड में 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद नेट JRF हूँ फिजिक्स में, ठीक है। तो मेरे को पता है कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल के अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करोगे,
अपने आप सारा प्लस वन प्लस टू वाला हर एक चीज कवर अप हो जाएगी। तो एक सिंगल क्वेश्चन भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि लाइक जो आप बोलो कि नहीं मेरे को नहीं आता। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी दो दो तीन तीन बार पेपर दे के आए होंगे। ठीक है, आप में से होंगे बहुत बच्चे जो दो दो तीन तीन बार पेपर दे के आए हैं। अगर आप लोगों का लाइक 200 नंबर का पेपर है ना, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो 100 नंबर ले रहे होंगे। वो बोलेंगे मेरे को कि 100 नंबर लिया है मैंने। ठीक है, 120 नंबर लिए हैं। बट अगर आप लोग सिर्फ एक कट ऑफ के ऊपर खड़े हुए हो ना, अगर आपका मान लो आप 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल ही अगर कट ऑफ मान लो 70 गई है या 72 गई है, आप लोग एक दो नंबर से रह जाते हो हर बार। ठीक है, आप 71 आ गया, आपके 69 आ गए, हर बार ये आंकड़ा रह जाता है। सिर्फ आप एक नंबर से रह जाते हो, तो वो क्यों रह रहे हो? क्योंकि वो अगर आप वो 30% का जो मार्जिन है ना, अगर आप वो लोग कवर अप कर लेते, आप लोग पॉइंटों पे नहीं रहते। तो ये वाली गलती, क्योंकि 5 साल बाद देखो वैकेंसीज आने जा रही हैं, तो 5 साल का गैप अगर आपका दिया है, ठीक है, अब इस बार वैकेंसीज निकल गई, उसके बाद दोबारा से कब निकलेंगी किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो इस बार वाला जो चांस है ना, वो किसी ने भी नहीं छोड़ना है। आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पेपर क्रैक करने की। तो आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल तक स्टडी करनी है, साथ के साथ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप लोग पिक करोगे वो आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। आईआईटी जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, गेट के 20-20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स है। मैं आपकी हेल्प कर दूंगी इस लेक्चर के एंड में। जिस जिस स्टूडेंट को, ठीक है, आप मेरे को मैसेज भेजना, मैं आपको सिलेबस शेयर करूंगी एग्जैक्ट की क्या पढ़ना है आपको, और साथ के साथ आपको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो कहाँ से पिक करने हैं। ठीक है, अगर आपको इनके प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, बट आपको राइट सिलेबस और राइट क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है अगर पेपर क्रैक करना है। तो अभी तक मैंने लाइक दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ पे है। ठीक है, अब आप लोगों को इतना पता चल गया कि हाँ, कि सिलेबस आपको कहाँ लेवल, किस लेवल तक जाना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे मेन जो पॉइंट आता है, जैसे वो स्टूडेंट ने पेपर निकाला है, कितने मंथ्स उनको लगे थे सिलेबस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग हिमाचल टीजीटी की बात करते हैं, हिमाचल टीजीटी में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, क्योंकि दो पेपर्स होने हैं आपके, आपके दो पेपर्स होने हैं, जैसे जो पेपर वन है उसमें हिमाचल जीके हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, साथ के साथ आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। और अगर मैं बात करती हूँ पेपर टू की, तो पेपर टू में अगर कोई लाइक मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसके लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आ जाएंगे। और अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो उसके लिए आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो हर एक के लिए जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है, 10 अप्रोक्सीमेटली आपको सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं अगर आपने पेपर निकालना है। क्योंकि चाहे आपका पेपर शिमला से कंडक्ट होने जा रहा है, चाहे आपका हमीरपुर से हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो उतने ही पढ़ने हैं। अगर आपका पेपर हमीरपुर से हुआ, उन्होंने 200 नंबर का एक पेपर ले लेना है। अगर शिमला से कंडक्ट होता है, तो 100-100 नंबर के उन्होंने दो पेपर ले लेने हैं। बट जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो तो आपको उतने ही पढ़ने हैं। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट आता है कि आपको कितने मंथ्स मिनिमम देने पड़ेंगे अगर आप पेपर निकालना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो देखिए वो मिनिमम मंथ्स है आपके पास, 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे अगर आपने पेपर निकालना है। अब वो 6 मंथ में आप लोग कैसे स्टडी करोगे? ठीक है, अब आप लोगों को ये पता है सिलेबस कहाँ से करना है, ये पता है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब आप लोगों ने उसको करना कैसे है? जैसे अब देखो, मान लो आप लोग एक कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जब जैसे मैं अब फिजिक्स की हूँ, तो मैं अपना ही कोई टॉपिक ले लेती हूँ कि मान लो मैं आपको फर्स्ट यूनिट करवा रही हूँ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट चैप्टर आता है थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन का, फर्स्ट। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो कोई इशू नहीं, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। फर्स्ट यूनिट आती है इसकी थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन। अब ये टॉपिक करना है आपको, ठीक है, आपको जैसे मैं सिलेबस शेयर करूंगी, तो आपको वो टॉपिक करना है। टॉपिक के बाद उसकी क्या करनी है आपको? प्रैक्टिस करनी है।
उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपको टॉपिक आता है कैसे कैसे क्वेश्चंस उस टॉपिक में से बनते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस करनी है आपने। एक प्रैक्टिस शीट लो, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगी कहाँ से मिल जाएगी, हर चैप्टर के एंड में मिल जाती है बीएससी की बुक्स में, ठीक है। सेकेंड, जो आईआईटी जाम गेट के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड जितने भी पेपर्स होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर में आपको ये सारे चैप्टर्स की एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो सेकेंड, पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना है टॉपिक पढ़ना, फिर उसकी करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर ली, अब जो थर्ड स्टेप है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेप आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका लाइव टेस्ट। वो क्या है आपका लाइव टेस्ट, क्योंकि देखो पेपर है ना, अब आप ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपका जो पेपर है, ठीक है, वो 200 नंबर का पेपर है। आपको मिनिमम कितने मिलते हैं, 3 घंटे मिलेंगे इसको करने के लिए, 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है, एक क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 1 मिनट भी ज्यादा है, एक क्वेश्चन को करने के लिए पेपर में 1 मिनट से भी कम टाइम मिलने वाला है आपको। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलने वाला है। तो अगर 1 मिनट में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा ना, तो पेपर नहीं क्रैक कर सकते। सारी गलती ना बच्चे यहीं पे करते हैं, जो स्पेशली सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरी एक सुजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसकी बिना प्रैक्टिस किए आप आगे जा रहे हो, वो गलत कर रहे हो। टॉपिक तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया, फिर बीएड किया, फिर टैट निकाला, हर एक स्टेप पे आपने पढ़ा है, बट उसको पढ़ना एक तरीके से है। अगर आपने पेपर निकालना है, उसको कैसे पढ़ना है, आपने कोई टॉपिक करोगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है लाइव टेस्ट। टाइमर के साथ जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो, मान लो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर के आपने 20 क्वेश्चन किए, ठीक है, वो टेस्ट में 20 क्वेश्चन है और 20 ही मिनट है आपके पास करने के लिए। तो अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर गए कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर गए, इसका मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप लेंथी मेथड से जा रहे हो, उससे तो आप 200 क्वेश्चन करने के लिए आप 10 घंटे लगा दोगे, ऐसे तो नहीं निकलेगा आपका पेपर। तो जो जो टॉपिक आप करते जाओगे, उसको काम, उसको मेमोराइज करना है, उसको लर्न करना है शॉर्ट ट्रिक्स से। वो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि कम टाइम में हो। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं कोई लेंथी मेथड से नहीं जाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स से, ठीक है। वो हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्या ये 20 सेकंड में हो पाएगा। तो सेम चीज आप लोगों ने करनी है कि हर एक पॉइंट पे उस पे चेक करते हुए जाना है कि क्या ये 10 सेकंड में मेरा निकलेगा क्वेश्चन, क्या ये 20 सेकंड में निकलेगा। हमारी वेबसाइट पे ढेरों क्वेश्चंस हैं, ढेरों टेस्ट सीरीज हैं, जहां पे आप लोग अपने लेवल चेक कर सकते हो। कोई टॉपिक पढ़ा, उसकी टेस्ट देना है आपने, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे आप कहीं से कोचिंग भी ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर स्टेप पे आपको चेक करना है अपना लेवल। तो जो भी आप आज से अगर मान लो पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो पहले टॉपिक करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, थर्ड जो लाइव टाइमर के साथ टेस्ट देना है। क्योंकि अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप अगर कर गए, तब आप सेकंड टॉपिक पे जंप करना, ठीक है। एट द एंड ना, जब हम लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि क्या आप 200 क्वेश्चन वो मैम, यू आर अनऑडिबल। मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आएगा, बट प्रैक्टिस से होगा। तो जो मेरा थर्ड पॉइंट था आप लोगों के साथ शेयर करना, कि मिनिमम देखिए, आज अगर वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, ठीक है, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि
कब वैकेंसीज आ रही हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे को इतने मंथ्स देने पड़ेंगे एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोगों को मिनिमम 6 मंथ चाहिए अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस को हम लोग ऐसे कंप्लीट करते हुए जाएंगे कि आपका हर पॉइंट पे टेस्ट करना है आपने अपने आप को, ठीक है, हर पॉइंट पे टेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपने अभी टेस्ट नहीं किया ना, फिर वो पेपर टेस्ट कर जाता है आपको, फिर वहां पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, ठीक है। तो हर पॉइंट पे हर वीक आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि क्या आप ये क्वेश्चन इतने मिनट में इतने क्वेश्चन। मैम आपकी साउंड रुक रही है बीच बीच में। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हो रहा है मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मिनट रुकना, एक मिनट। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल मैम। ओके, अभी देखिए, अभी आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी मैम, अब आ रही है। ओके, क्लियर है वॉइस, कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, अब हमें सिलेबस पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि कितने क्वेश्चंस करने हैं। अब जो थर्ड टास्क था कि कितने मंथ्स चाहिए आपको और कैसे कैसे आपने हर पॉइंट पे अपने आप को चेक करना है, वो भी बता दिया। तो लाइव टेस्ट के बिना पेपर नहीं निकलेगा, इस चीज को गांठ बांध लेना अपने, ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कितने मंथ्स चाहिए पेपर करने के लिए, ठीक है, पेपर निकालने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक करने के लिए आपको कितने मंथ्स चाहिए। वो चाहिए आपको मिनिमम 1 ईयर देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स दिखाए थे ना, कि जॉब करते करते बच्चे हैं, लास्ट चांस है मेरे पास, बट स्टिल उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लिया है। सिर्फ अभी 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लिया है। तो वो ऐसे कोई 3-4 मंथ की स्टडी से नहीं पेपर क्रैक हुआ, आपको मिनिमम 1 साल चाहिए चाहिए। वो 1 साल किस लिए चाहिए, 6 मंथ में तो हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है, 6 मंथ में हम लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया। अब जो सेकेंड 6 मंथ है उसमें हम लोगों ने करनी है रिवीजन, वो भी रिवीजन भी करेंगे और डेली के डेली अपनी परफॉर्मेंस को चेक भी करना है आपने, ठीक है। क्योंकि देखो रिवीजन है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया आपने, वो रिवाइज नहीं किया, फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। रिवीजन की तो आप लोग अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल है आप लोगों के, अगर कि आप लोगों के घर में अगर बच्चे हों, ठीक है, आपके खुद के ही बच्चे होंगे कई के, तो आप एक छोटा सा बच्चा जब ना उसका बर्थ होता है, तो हम लोग उसको रिपीटेडली बोलना स्टार्ट करते हैं कि मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो। हम लोग पता नहीं कितने मिलियन के मिलियन टाइम्स हम लोग बोलते हैं ना कि मम्मा बोलो, पापा बोलो। तो वो बच्चा एक दिन, 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, मम्मा बोलता है, पापा बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई बाय बर्थ तो वो कोई सीख के नहीं आया, वो सीख रहा है जो हम लोग उसके कानों में डाल रहे हैं। जब आप लोग उसके कानों में रिपीट बोल रहे हो, बोले जा रहे हो कि मम्मा बोलना है, मम्मा बोलना है, वो बच्चा सीख जाता है एट द एंड। तो वही चीज हमने करनी है, हमने अपनी प्रेपरेशन को बार बार रिवाइज करना है। बार बार जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, आप पेपर नहीं निकाल सकते। तो 6 मंथ आपको देने हैं रिविजन के लिए, ठीक है, 6 मंथ में
रिवीजन भी करनी है, डेली के डेली प्रैक्टिस भी करनी है, और उसका लाइव टाइमर के साथ टेस्ट भी करना है कि क्या जो क्वेश्चन हमने किया है क्या वो 1 सेकंड में, 10 सेकंड में मेरा हो पा रहा है, 1 मिनट में हो पा रहा है। ठीक है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैथ्स नहीं हो पाएगा, मैथ्स भी होता है जब आप उसको शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तब वो सॉल्व होगा। ये 6 मंथ देखो आपके लिए ऐसे 6 मंथ हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, ये 6 मंथ जो रिवीजन वाले 6 मंथ हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप लोग पेपर क्रैक करना चाहते हो ना, जो पेपर के टाइम जब आपके हाथ में पेपर पकड़ाया जाता है तो उस टाइम पे आपके दिमाग नहीं चलना चाहिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिए कि हाँ इतने क्वेश्चन है, उस टाइम पे ना आपके हाथ चलने चाहिए, आपके हाथ चलने चाहिए, आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए। जैसे आपके फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूं, ठीक है, क्वेश्चन रख दूं, तो वहां पे आपका हाथ साथ के साथ सॉल्व करके उसको टिक कर दे कि इसका ये आंसर आएगा, बट वो तब टिक हो पाएगा जब आपके वो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है ना वो पक्का होगा, आप लोगों ने उसकी ढेरों टाइम्स प्रैक्टिस की होगी, वो तब पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर के टाइम आपका हाथ चलने की बजाय दिमाग चला, इसका मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपके दिमाग में वो चीज है ही नहीं, आप अटकोगे, आप सोचोगे, जहां पे आपको सोचना पड़ा आप एक एक क्वेश्चन पे 10 10 मिनट लगाते चले जाओगे, यही चीज नहीं करनी है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ कि अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो ना, आप अभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने हाथों से कि पेपर के टाइम आपके हाथ चलने चाहिए, दिमाग नहीं चलना चाहिए। जहां दिमाग चला इसका मतलब दिमाग में नहीं है वो चीज, वो मेरे दिमाग को नहीं आती, तो उस चीज को सोचने के लिए टाइम लगेगा। तो मिनिमम 1 ईयर देना पड़ेगा आपको पेपर क्रैक करने के लिए, मिनिमम 1 ईयर देना पड़ेगा। 6 मंथ में एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 6 मंथ में उन चीजों को रिपीटेडली हम लोग रिवाइज करेंगे, प्लस हर एक पॉइंट पे लाइव टाइमर के साथ टेस्ट देंगे, और टेस्ट दे के अपनी कैपेबिलिटी चेक करेंगे कि क्या मैं ये चीज कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। ठीक है, जैसे एक रिवीजन के लिए ना निकला है, मैक्सिमम जो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं करते चीजों को। ठीक है, एक बार चीज कर लिया फिर सेकंड टॉपिक पे जंप कर लिया। जैसे आपके पास मान लो 10 टॉपिक है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड पे आ गए, फर्स्ट को भूल जाते हैं, वो फर्स्ट गया हाथ से, फिर थर्ड पे आ गए, सेकंड फर्स्ट को देखना ही नहीं है, ये चीज नहीं करनी। मैं भी जैसे जब मैं एमएससी कर रही थी ना, मैं जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से करके आई हूँ एमएससी, तो मैं विद इन एमएससी मैंने हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में नेट JRF लिया था, वो भी रैंक 6 के साथ। तो देखो वो ऐसे नहीं लिया था, आप भी ले सकते हो। तो हम लोगों का जो मेथड है, मैं अपना मेथड बता रही हूँ कि कैसे मैंने पेपर क्रैक किया था, कैसे हम लोगों ने रिवीजन किया। जैसे मेरा मेथड क्या था, मैं क्या करती थी, जैसे आज मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, अब सेकेंड डे टॉपिक पढ़ा, प्रैक्टिस किया, टेस्ट दिया, देखा कि मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। सेकेंड डे हम लोग सेकेंड टॉपिक पे जंप कर जाते थे, बट सेकेंड टॉपिक पे जंप करने से पहले हम लोग ने क्या किया था ना, जैसे मैंने क्या किया हुआ था, एक ना छोटी सी डायरी रखी हुई थी, ठीक है, वो जो आपकी हर टाइम आपके पॉकेट में, ठीक है, आपके पर्स वगैरह में आ सके, आप इतनी डायरी ले लो जिसमें जो चीज आपने आज पढ़ी है उसकी समरी लिखा लो। ठीक है, समरी लिख लेनी है कि 5 पॉइंट आज मैंने ये एक टॉपिक किया, इसके 5 पॉइंट मेरे निकले हैं जो जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपने उस डायरी में लिख लिया। सेकेंड टॉपिक करने से पहले वो 5 मिनट ही लगेंगे, 5 मिनट भी मैं ज्यादा बोल गई, 2 ही मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने के लिए। फिर मैं थर्ड टॉपिक पे पहुंचती थी, थर्ड टॉपिक्स पे पहुंचने से पहले मैं फर्स्ट दो को रिवाइज करती थी, क्योंकि वो करने के लिए मेरे पास कितने हैं, 2 3 मिनट ही लगे मेरे को, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे वो मेन मेन पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए। ऐसे हम लोग डेली के डेली, अगर आप 6 मंथ की भी स्टडी कर रहे हो ना, तो 6 मंथ में डेली एक कदम पीछे जाके जरूर देखना पड़ेगा कि आपने पीछे क्या करके आए हो। ठीक है, जैसे आपके पास शेर भी अगर चल रहा होता है ना मैदान में, तो 2 कदम आगे जाके पीछे, 1 कदम 2 कदम आगे जाता है, 1 पीछे मुड़ के देखता है, वो क्यों देखता है कि मेरे पीछे तो नहीं कोई आ रहा मेरा शिकार करने के लिए। तो सेम चीज आप लोगों ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। ये नहीं करना कि आप लोग टॉपिक करते जा रहे हो, मेरा सिलेबस खत्म हो गया, वो नहीं है सिलेबस कवर कवर करना।
आपने सिलेबस ऐसे कवर करते हुए जाना है, एक एक कॉन्सेप्ट को पीछे मुड़के देखना है। तो अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हो या कहीं से कोचिंग ले रहे हो, तो अपनी एक छोटी सी डायरी रखना अपनी पॉकेट में। जब भी आप लोग जैसे जॉब करते हो तो लंच ब्रेक तो मिलता ही होगा, ठीक है, उस लंच ब्रेक में 5 मिनट डेली के निकालो कि मेरे ने आज ये चीजें की हैं, ये रिवाइज करना है। जैसे हमें भी यूनिवर्सिटी में लंच ब्रेक होता था तो उस टाइम पे हम लोग यही करते थे, डायरी उठाई, ये देखते थे आज मैंने ये चीजें की हैं, ठीक है। तो वो जब बार बार वो चीज दिखेगी ना, जैसे बच्चे को मम्मा मम्मा हम लोग कितने मिलियन टाइम्स बुलाते हैं, तब वो जाके बोलता है। वो फर्स्ट टाइम नहीं बोलता, सेकंड टाइम नहीं बोलता, 10th टाइम नहीं बोलेगा, वो मिलियन के मिलियन टाइम जब आप चीज को रिवाइज करोगे ना, वो अपने आप पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो रिविजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस लाइफ टेस्ट। टेस्ट के बिना तो काम होगा ही नहीं। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक नहीं करोगे कि मैं 10 क्वेश्चन को करने के लिए कितने मिनट लेके जा रही हूँ, तब तक नहीं होगा काम, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस शीट पकड़ा दूं, आप लोग उसको 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठे रहो, ठीक है, वैसे नहीं काम चलेगा। तो ये दो चीजें हैं, इसको गांठ बांध लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है कि रिवीजन भी करनी है आपने और लाइव टेस्ट भी देने हैं। तो एक छोटी सी डायरी पकड़ लेना जहाँ पे डेली के डेली लिखना है कि आप लोग क्या क्या करके आए हो, ठीक है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है ना, ये तो चलो सारी चीजें बात की बात, बच्चे आप लोगों से भी मैक्सिमम होंगे स्टूडेंट्स, जो सबसे फर्स्ट चीज है कि क्या टीजीटी कमीशन आएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज तो यही है कि क्या पेपर आएगा, ठीक है, और अगर आया तो पेपर कब आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स का। देखो पेपर तो आएगा ही आएगा। जैसे अभी अगर मैं करंट हम लोग सिचुएशन की बात करें हिमाचल की, जो क्योंकि 50% हिमाचल में बैच वाइज सिलेक्शन होती है, ठीक है, ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 50% बैच वाइज बच्चे रखे जाते हैं। वो ऑलरेडी हो चुका है प्रोसीजर डन, मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, एक आधी कोई वेटिंग लिस्ट है जो पड़ी हुई है। तो 3 स्टेजेस में अभी काम हो रहा था। बैच वाइज जो बच्चों की ज्वाइनिंग होनी थी हिमाचल में, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है 95%। और पैरेलली पैरेलली अभी जो पीजीटी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज निकली हुई थी, उसमें फिजिक्स के तो रिजल्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है, उसकी सिलेक्शंस भी मैक्सिमम हो गई हैं। मैथ्स के आज शायद रिजल्ट आउट हुआ है पीजीटी मैथ्स का। अभी जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी, इनके अभी काम पेंडिंग है, ठीक है, अभी चल रहा है। तो इस साल के एंड तक जाते जाते ये भी पीजीटी का काम भी शिमला से कंडक्ट जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 3 to 4 months में ये सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। अब बारी है जो 50% कमीशन के दोबारा बच्चे रखने जाने हैं, कमीशन का पेपर लेके जो बच्चे रखे जाएंगे, उसके लिए आपके पास आज से 7 to 8 months पड़े हुए हैं मिनिमम, ठीक है। हो सकता है इससे ज्यादा मिल जाए, मिनिमम 7 to 8 months पड़े हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि वैकेंसीज निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, मैं बोलती हूँ वैकेंसीज ये अंदर की ही है, जिसकी सर्वे ही है कि वैकेंसीज तो देखो आएंगी ही आएंगी। 50% जो ज्वाइनिंग उन्होंने कमीशन के द्वारा करनी है वो तो होगी ही होगी। हो सकता है वो इससे 2 months लेट हो जाए, वो 1 साल तक हो जाए, ठीक है, बट वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। शायद से आप लोगों ने देखा हो, अभी एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि दिवाली के बाद वो टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज निकालने वाले हैं, तो ये भी न्यूज़ देखी होगी आपने। तो मिनिमम 7 to 8 months हैं प्रिपरेशन के लिए, और इससे अच्छा राइट टाइम है आपके स्टार्ट करने का, क्योंकि 7 to 8 months तो चाहिए ही चाहिए पेपर क्रैक करने के लिए। अगर मेरे को इससे ज्यादा टाइम मिला तो वो हम लोग रिवीजन के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा राइट टाइम है आप लोगों के लिए अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि वैकेंसीज कब निकलेंगी। वैकेंसीज देखो आजकल में आई जाएंगी, ठीक है। अब जो दो बच्चे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं आपके, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास तो ऐसे भी हैं जो 2022 से लगे हुए हैं, 2021 से लगे हुए हैं। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो 2021 से स्टार्ट हुआ था पढ़ना उन्होंने, और वो कितनी बार अपना सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं। आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है, ठीक है।
अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो आपको अभी डबल मेहनत के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, बट स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कमीशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करोगे, नहीं, क्योंकि जब वैकेंसीज निकलेंगी तो हार्डली कितना है, 3 से 4 मंथ ही देते हैं ये ज्यादा से ज्यादा, और 3 से 4 मंथ में तो आपका एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो वो कंप्लीट करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे लाइक कि पेपर कब आएगा, या क्या सिलेबस है, कितने मंथ्स हैं, ठीक है, तो वो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब देखो जो नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट होती है कि आप लोग प्रिपेयर कहाँ से करना स्टार्ट करोगे, आप प्रिपेयर कहाँ से स्टार्ट करोगे करना, तो प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे लाइक जो यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने बुक्स की सिलेक्शन कैसे रखनी है, कि आप लोगों ने बुक्स की सिलेक्शन कैसे रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, और आपने क्वेश्चन बैंक कहाँ से सिलेक्ट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप लोग अगर यूट्यूब से इधर उधर से सर्च कर रहे हो तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन करनी पड़ेगी आपको बुक्स कि जहां से आप लोगों ने पढ़ना है। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ फिजिक्स, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग पिक करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, फॉरेन ऑथर की बुक्स, क्योंकि फॉरेन ऑथर की बुक्स में अप टू द मार्क कंटेंट होता है कि अगर आप वो कंटेंट कर लेते हो उससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, बहुत सारी फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है, ठीक है, डिटो बुक्स कॉपी की हुई है, हमारी मार्केट में मिल जाती हैं। तो फर्स्ट जो चीज है ना, बुक्स कौन सी पढ़नी है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इस लेक्चर के एंड में आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो शेयर कर दूंगी, और सेकंड जो बुक्स है, हाँ ठीक है, अगर आप एचपी टीजीटी आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स वाले की हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, पॉलिटी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, या फिर अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की कौन सी बुक्स पढ़नी है, फिर साथ साथ की साथ अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आप लोगों को कौन सी बुक्स पढ़नी है वो हम लोग आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि देखिए 11th 12th की तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक्स होंगी, ठीक है, बट मेन जहाँ पे आती है, क्योंकि ग्रेजुएशन से 70% पेपर आना है, तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन की बुक्स की सिलेक्शन आपने सही करनी है, वो हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। बहुत सारी फॉरेन ऑथर की बुक्स भी आपको रिकमेंड की जाएंगी जिसमें से कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स ने वो पढ़ी हुई है, कंटेंट सारा वहीं से उठाया जाता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो एक तो आपके साथ मैं सिलेबस शेयर करूंगी, सेकेंड क्वेश्चन बैंक, ठीक है, कहाँ से करना है वो शेयर करूंगी, और बुक्स की सिलेक्शन भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर से, ठीक है, कि इधर चैनल से ढूंढ रहे हो, इधर से आप ये टॉपिक उठा रहे हो, तो वो ढूंढने का झंझट आपको नहीं रहेगा, वो हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। और रही बात क्वेश्चन बैंक की, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका होना चाहिए स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपको, गेट के, आईआईटी जाम के, जो ग्रेजुएशन के बेस जितने भी पेपर्स होते हैं उन सब की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर वो 20 20 साल के आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर गए तो आप पेपर निकाल सकते हो टीजीटी कमीशन का, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक उस चीज को रखना है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है लाइफ टेस्ट, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि लाइफ टेस्ट के बिना तो गुजारा नहीं है, क्योंकि 200 क्वेश्चन को, ठीक है, 2 घंटे में करना है आपने, 3 घंटे में करना है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 20 से 10 सेकेंड लगाने हैं आपको, और वो हर पॉइंट पे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ काम करना है आपने, ठीक है। तो लाइव टेस्ट के बिना तो देखो आप पेपर ही नहीं निकाल सकते। अगर हम लोग सोचे कि हम लोग सीधे जाके पेपर में बैठ जाएं, नहीं होगा, फिर पेपर नहीं निकलेगा, और इतने अटेम्प्ट तो है भी नहीं हमारे पास कि 6 मंथ बाद ऐसे एचपी टैट आ जाता है कि चलो इस बार नहीं हुआ अगली बार निकाल लेंगे, 5 साल बाद आ रही है, उसके बाद दोबारा से कब आएंगे किसी को भी आइडिया नहीं है। तो ये पेपर हाथ से नहीं जाने देना, तो लाइव टेस्ट हर स्टेप पे डेली के डेली अगर ट्राई करो आप, हफ्ते में 2 3 टेस्ट हर सब्जेक्ट के दे पाओ अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए,
इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो मैं फोर्थ पॉइंट आप लोगों के साथ हम लोग क्वेश्चन बैंक शेयर करेंगे, लाइव टेस्ट। ठीक है, हम लोग लाइव टेस्ट का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां पे हर एक सब्जेक्ट के लाइव टेस्ट है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो। ठीक है, तो लाइव टेस्ट भी आपके साथ हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, टॉपिक वाइज आप अपना लेवल चेक कर सकते हो वहां पे। ठीक है, अब उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट हमारा आज के सेशन का आता है कि टाइम कैसे मैनेज करें मैक्सिमम आप में से, क्योंकि मेरे पास भी डेली के डेली क्वेरीज आती रहती हैं। मैं सुनती भी हूँ बच्चों से कि हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ हमारा 9 to 6 की जॉब है, फिर बच्चे हैं, फिर हमने ट्यूशन पढ़ाने हैं, तो टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, तो टाइम निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप दिन के बोलो कि मैं 5 घंटे जॉब के लिए निकालूं, ये नहीं करना आपने। अगर आप वर्किंग हो, ठीक है, नहीं है टाइम शेड्यूल आपका बहुत ज्यादा टाइट है, नहीं दे पा रहे, तो आप जस्ट स्टार्ट करो अपना 1 घंटे से, जस्ट 1 आवर से स्टार्ट करो। ठीक है, आप अभी अपनी स्टडीज को 1 घंटा देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे अब मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, ठीक है, हम लोगों का 9 to 5 की होती थी क्लासेस, तो 9 to 5 के बाद स्टिल फिर जो क्लास में करवाया था वो रिवाइज भी करना था, फिर हमने नेट की तैयारी भी करनी थी। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे क्लासमेट होते थे कि यार तुम लोग कैसे कर रहे हो नेट की तैयारी, ठीक है, हम लोगों के पास तो यही नहीं खत्म होता। तो वो विद इन एमएससी अगर मैंने नेट निकाला है, तो वो ऐसे नहीं निकला है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1-1 घंटे से। आप लोग भी अपनी रूटीन की जो लाइफ है ना, उसमें से सिर्फ 1 घंटा निकालना स्टार्ट करो। अगर आप ज्यादा दे सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट मिनिमम 1 घंटे से स्टार्ट करो। अगर आप 1 घंटा डेली का देना स्टार्ट करोगे, उसको इंक्रीज करके आप 2 आवर पे ले जाओ, फिर उसको 3 आवर पे ले जाओ, ठीक है, तो आप निकालते निकालते उसको 4 to 5 आवर्स पे, मिनिमम 4 आवर्स पे जब ले जाओगे, तो आपका इतना अच्छा टाइम सेट हो जाएगा कि आप सारे सब्जेक्ट की पैरेलल तैयारी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो। देखो, अगर इतना अगर स्टडी कर लिया है ना आपने, बीएससी ग्रेजुएशन भी कर ली, बीएड भी कर लिया, एचपी टाट भी निकाल लिया, अब भी अगर आपके पास बच्चों की वजह से अगर आप सोच रहे हो कि ये नहीं मेरे को करने दे रहे, या जॉब नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेने दे रही, तो ये सारी चीजें साइड में रखो, सिर्फ 1 घंटा डेली का निकालना स्टार्ट करो। 1 घंटा जिस दिन आपका निकलना स्टार्ट होगा, उसको रेगुलर निकालना है आपने। जैसे संडे आपके पास छुट्टी है, ठीक है, कोई अभी जैसे इस मंथ तो फेस्टिवल सीजन है, बहुत ही छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है, संडे को थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स आप अपने ज्यादा देने स्टार्ट करो। तो ये चीज अपने माइंड से पहले तो हटाओ, क्योंकि सारा काम देखो माइंड का है। अगर आपने अपने माइंड को बोल दिया कि मेरे को 1 घंटा निकालना है, तो आप निकालोगे, थोड़ा सा काम इधर उधर आगे पीछे करके, तो आपने अपनी लाइफ से 1 घंटा डेली का निकालना है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो ये चीज नहीं बोलनी किसी ने कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकलेगा। ठीक है, जब आपका सपना होगा ना कि मेरे को पेपर क्रैक करना है, तो टाइम निकलेगा। तो आप अपनी लाइफ से 1-1 घंटा निकालना स्टार्ट करो, अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट मेन जो चीज थी ना, टाइम तो आप अभी निकालना स्टार्ट कर दोगे, बट आप अपने आप को प्रॉमिस करोगे आज से, ठीक है, जितने भी अभी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि मेरे को टाइम निकालना है अगर गवर्नमेंट टीचर बनना, और बन सकते हो आप, कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, निकालोगे टाइम, डेली के डेली रूटीन बनेगी, तो पेपर निकलेगा। और सेकंड चीज है, देखो कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करनी आपने, जहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक होगी वहां पे आपकी सीट है ना जो गवर्नमेंट जॉब की, कोई और ले जाएगा जो रेगुलर स्टडी कर रहा है। तो अगर आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो एग्जाम तक की जो कंटिन्यूटी है ना, वो नहीं ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 आज से स्टार्ट करोगे, तो कोई भी चीज स्टार्ट की है तो उसको रिवाइज करते जाओ, और एग्जाम तक उस चीज को रिवीजन में रखना है। ठीक है, अगर आप आज से लेके एग्जाम तक उस चीज को रेगुलर कंटिन्यूटी में कर गए, ठीक है, कोई भी नहीं है जो आपको इस गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब ना लेके जाए, बट कंटिन्यूटी बनाए रखनी है आपने। और हमारे पास देखो, जैसे हम लोगों का हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैं अपना ही फिजिक्स का दिखाऊंगी, बाकी सब्जेक्ट का भी है हमारे पास बना हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शेड्यूल बनाना है पहली चीज। ठीक है, पहली चीज ना, इस पे जाने से पहले आप लोगों को आज क्या करना है, बैठ के आज बनाओ, चाहे आप कल बनाओ, आप लोगों को क्या करना है, एक अपना 6th मंथ का ना शेड्यूल बनाना है। ठीक
ठीक है। सबसे फर्स्ट आप लोग क्या करोगे कि 6 मंथ का अपना शेड्यूल बनाओगे, ठीक है। अब 6 मंथ के शेड्यूल में, क्योंकि मिनिमम सिलेबस कवर करने के लिए 6 मंथ चाहिए चाहिए, आपको ये करना है कि अगर आपने फिजिक्स स्टार्ट किया या आपने बॉटनी स्टार्ट किया, तो आपको ये चीज देखनी है कि आज आपको ये टॉपिक कवर करना है, कल आपको ये प्रैक्टिस करनी है, परसों आपको इसका लाइव टेस्ट देना है, फिर उसके बाद आपके पास फोर्थ डे सेकंड टॉपिक आया। आपको एक शेड्यूल तैयार करना है, चाहे आप उसको वीकली तैयार कर लो, चाहे आप उसको मंथली तैयार कर लो, चाहे आप उसको 6 मंथ का तैयार कर लो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने आज करना क्या है, आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ठीक है। आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो अगर आप जॉब से भी आ रहे हो, ठीक है, तो आप सो जाओगे कि चलो यार सुबह से शाम तक थक के आए हैं, अब क्या करना। बट जब आपका शेड्यूल बना होगा ना, इसको दीवार पे लगा लो, शेड्यूल को टिक करना है डेली के डेली कि आज मेरा ये टास्क है तो मेरे को ये कंप्लीट करना है। जब आप ऐसे टास्क वाइज चलोगे ना, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी और आप भी अपने एफर्ट्स कम करोगे, आप भी अपने एफर्ट्स उस पे ज्यादा लगाओगे, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों का सेम चीज का शेड्यूल बना हुआ है, जैसे हम लोग आपको डे वाइज प्रोवाइड करते हैं, डे 1 से लेके हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि डे 1 में आपको जैसे आज फर्स्ट चैप्टर करना है आपने, फिर डे 2 में आपने सेकंड चैप्टर करना है, फिर थर्ड डे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उसका उसको आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखोगे, फिर उसी का लाइव टाइमर के साथ, जैसे फिर 7th डे 6th डे उसका टेस्ट आता है, ठीक है। तो हम लोग जो शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग ऐसे ही शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को अगर कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े कि मेरे पास मैडम सिर्फ 1 घंटा है, मैं 1 घंटे में मैम मैं अपना शेड्यूल कैसे बना सकती हूँ, तो आप बिल्कुल फ्री है, मेरे को कॉल कर सकते हो जब मर्जी, ठीक है। आपका शेड्यूल बनाने के लिए मैं हेल्प करूंगी। अगर आप दिन का 1 घंटा भी निकाल पा रहे हो तो 1 घंटे के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बन जाएगा। अगर आप मेरे को बताओ कि 2 घंटे निकाल पा रहे हो, ठीक है, सिर्फ ये बताओ कि आप दिन में 2 घंटे निकाल सकते हो, 3 घंटे निकाल सकते हो, 4 घंटे निकाल सकते हो, हम लोग आपका जो शेड्यूल है वो उस अकॉर्डिंग बना देंगे, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसको कैसे यूज करें, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारा काम मैं आपकी हेल्प कर दूंगी उस चीज के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को, हर बच्चे को हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, हमारे पास जितने भी लाइक बच्चे कोचिंग लेने आते हैं, तो अगर आप हमें लाइव क्लास में नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, आप अगर एक बच्चा 5 घंटे दे पा रहा है, आप दो दो ही घंटे दे सकते हो या 3 घंटे दे सकते हो, तो जस्ट आप मेरे को टाइम बताओ कि कितना दे सकते हो, शेड्यूल हम लोग बना देंगे आपका अपने आप, ठीक है। तो शेड्यूल वो ऐसा चलेगा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे मैं आप बच्चों की तैयारी करवाती हूँ, वैसे आप लोग भी कर सकते हो तैयारी। बस पहले टॉपिक करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, थर्ड टाइमर के साथ टेस्ट देना है, फोर्थ रिवीजन करनी है उसकी, क्योंकि रिवीजन के बिना काम नहीं होगा। ऐसे हम लोग लाइक पूरे, ठीक है, 6 के 6 मंथ का, जैसे ये 1 मंथ का शेड्यूल है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये शेड्यूल बनाया हुआ मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। आप जस्ट इसका प्रिंट निकलाओ, निकालो, उसको दीवार पे लगा दो, डेली का टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। हमारे पास भी जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं उनको, एक शेड्यूल दिया, डेली के डेली आपने कंप्लीट करना है उसको टास्क को, और इन्फॉर्म करना है, और हर पॉइंट पे टाइमर के साथ टेस्ट भी करना है आपकी परफॉर्मेंस को कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज का, जैसे कोई मेडिकल नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है या आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, हर एक चीज का हमारा ऐसे ही शेड्यूल बना होता है कि आपने फर्स्ट डे जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ 4 डेज में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हुई, फिर उसका सोल्यूशन देखना है, फिर उसका अपने टाइमर के साथ टेस्ट देना है। हमारा जो शेड्यूल होता है ना हर बच्चे का, वो ऐसा ही बनता है, और आप भी अपना शेड्यूल बना सकते हो ऐसा, ठीक है। आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है, मेरा नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप जब मर्जी मेरे को कॉल कर सकते हो किसी भी गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शेड्यूल है बना है। जैसे आप लोग मैक्सिमम बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, स्कूल में टाइम टेबल बना होता है ना कि 9 बजे इस टीचर की क्लास है, साइंस का पीरियड है या फिर मैथ्स का है, तो अगर शेड्यूल नहीं बना होता तो फिर वो होता ही नहीं, ठीक है। आपको पता है मेरे डेली के 8 लेक्चर्स हैं, ये क्लास में है, तो आप अपना लगाते हो, ठीक है, आप अपना पढ़ के आते हो, क्लास लगाते हो, तो वही चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो बिना शेड्यूल के आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते, बिना शेड्यूल के आप पेपर नहीं क्रैक कर सकते। तो शेड्यूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब
ये तो चलिए आप बना लोगे, मैं अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो, जैसे यहाँ पे है ना 180 डेज का, 190 डेज का, ठीक है, ऐसे शेड्यूल बना हुआ है। आप इधर जो काउंटिंग चल रही है ना, ये डेज की काउंटिंग चल रही है कि इतने मंथ्स में आप लोगों का हमने सिलेबस कवर करवाना होता है। तो ये टोटल 6 मंथ का शेड्यूल होता है 190 डेज का, ठीक है। तो 190 डेज का ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक दिन करवा दी चीजें, फिर उसके बाद एक हफ्ता चला वो खत्म कर दिया, नहीं, पूरे का पूरा 6 मंथ का शेड्यूल एक साथ बनेगा और उस चीज को फॉलो करेंगे। फिर रिवीजन का शेड्यूल आएगा, डेली के डेली टेस्ट का शेड्यूल आएगा, वही चीज आपने प्रिपेयर करनी है अगर पेपर क्रैक करना है। तो शेड्यूल प्लस रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर डेली टू डेली आपने कोई चीज कवर करनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो मेरे पॉइंट्स थे, ठीक है, दो दो चीजें थी कि पहली चीज सिलेबस की राइट गाइडेंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ शेड्यूल होना चाहिए, रिवीजन है या लाइफ टाइमर के साथ टेस्ट है। अगर आप अपनी लाइफ में इनको डेली के डेली अपनाना स्टार्ट कर दो तो डेफिनेट है कि आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। जो अभी आगे कमीशन आएगा वो पेपर क्रैक हो जाएगा, बट स्टेप उठाना पड़ेगा, आज से टाइम निकालना पड़ेगा, प्लस एग्जाम तक की कॉन्टिन्यूटी बनानी पड़ेगी। और सेकंड, अभी जैसे ये मत सोचना कि पेपर आएगा कि नहीं आएगा, वैकेंसी तो देखो है, पक्की चीज है, वो तो आएंगी ही आएंगी, बट आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक हम लोग स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। तो शेड्यूल बना लेना, ठीक है, आजकल में बैठ के, ताकि आपकी कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाए, आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दो। और सेकेंड चीज, जैसे आज जो भी वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को फ्री भी प्रोवाइड करूंगी, लाइक प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ठीक है, विद वीडियो सॉल्यूशन, सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, बुक्स की सिलेक्शन हो गई, ये सारे आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और साथ की साथ लाइक जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आज वेबिनार ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑफ लेके आए हैं। जो भी स्टूडेंट आज ज्वाइन करते हैं हमारे बैचेस पे, आपको 35% ऑफ मिलेगा, जो भी अभी प्राइस चल रहा है। और अगर आप विद इन 24 आवर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको अराउंड 30% ऑफ मिलेगा। ये जो भी स्टूडेंट हैं जो वेबिनार ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये स्पेशल गिफ्ट है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके साथ आपको ये डिस्काउंट भी मिलने जा रहा है। प्लस ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, ठीक है, आप कहीं भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे आप अटक रहे हो कि मेरे से ये चीज नहीं हो रही, मेरे से ये शेड्यूल नहीं बन रहा, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं लाइक जो अभी कर रहे हो आप सेल्फ स्टडी, अभी स्टार्ट बता सकते हो कितने स्टूडेंट हैं जो अभी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जब कर अभी आपने स्टार्ट करनी है प्रेपरेशन, जब अभी आप +1 +2 की बुक से पढ़ रहे हो, कितने स्टूडेंट्स हैं? मैम मेरी पीएड तो अभी कंप्लीट हुई है अगस्त में, तो अभी ओके हार्डली मैंने मतलब 2 वीक्स हुए हैं मुझे तो अभी प्रेपरेशन करते करते। ओके बाकी स्टूडेंट मैम एक्चुअली सेल्फ स्टडी तो ऐसे पर्सनली कर नहीं रहे हैं, लेकिन ट्यूशंस वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें +1 +2 की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहां से थोड़ा ओके बहुत हेल्प हो रही है, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए अभी मैम स्टार्ट नहीं किया अभी। ओके और स्टूडेंट्स हैं और मतलब कहाँ कहाँ से आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो, या फिर अभी स्टार्ट ही नहीं किया प्रेपरेशन करनी? अभी मैम मैम स्टार्ट आई ही हैव नहीं की। जस्ट मैम आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय बीएड, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग टीजीटी कमीशन मेडिकल, आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम +1 +2 एनसीईआरटीज ओनली, सो टुडे आई एम ओके शॉक्ड दैट 30% विल कम फ्रॉम 11th एंड 12th एंड 70% विल कम फ्रॉम ग्रेजुएशन, इट इज लाइक आई ओपनर फॉर मी टुडे। यस एक्चुअली देखिए राइट, जब आप सिलेबस ही आपको पता नहीं होगा, अब आपको ये चीज का शौक आज लगा है, आज आपके पास 7 to 8 months है पढ़ने के लिए। अगर आपको यही शौक 1 2 month पहले लगता, जब टीजीटी कमीशन का सिलेबस आ जाएगा, तो वो ज्यादा खतरनाक होता, तो क्योंकि 1 2 month में आप कर ही नहीं पाते। यस मैम यू आर राइट। बाकी देखो जैसे अभी मैंने तो अभी आप लोगों को सिर्फ अभी लाइक टीजीटी कमीशन के बारे में बताया है, ठीक
ठीक है, अभी आपके साथ मैं अभी लाइक जैसे अभी ना और आसपास हैं आपके वैकेंसीज जो निकलने वाली हैं, लाइक जैसे एक तो आप लोग एचपी टीजीटी के लिए टारगेट कर ही रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने लाइक सीटेट भी क्लियर कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप केवीएस एनवीएस का, ठीक है, केवीएस एनवीएस में वैकेंसीज निकलने जा रही हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है, केवीएस एनवीएस में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकलने जा रही हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल और नवोदय विद्यालय स्कूल में, जहां पे टीजीटी के लिए तो सीटेट होना ही चाहिए, ठीक है, जैसे इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए, और बट जो पीजीटी लेवल होता है जिन बच्चों का सीटेट नहीं है बट आप लोगों ने मास्टर्स कर रखी है, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, आपने बीएड कर रखी है, तो आप पीजीटी लेवल को भी टारगेट कर सकते हो, ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, ये वैकेंसीज आने को आज से 10 दिन बाद आ जाए, आज से 1 मंथ बाद आ जाए, ये रेडी है, ये कभी भी निकल सकती है वैकेंसीज, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। थर्ड जो आ रही है वैकेंसीज वो है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में 1500 वैकेंसीज, मैक्सिमम चांसेस हैं कि जैन फैब में आ जाएंगी, इसमें अप्रोक्सीमेट 1500 वैकेंसीज टीजीटी और पीजीटी के लिए आ रही हैं। इसमें भी सेम चीज है कि अगर आपने टीजीटी को टारगेट करना है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और साथ में सीटेट होना चाहिए, बट जो पीजीटी लेवल है उसमें आपकी क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए और मास्टर्स चाहिए, ठीक है, तो अगर आपके पास सीटेट नहीं है, एचपी टेट है बट आपके पास मास्टर्स है, तो आप पीजीटी लेवल को कहीं पे भी टारगेट कर सकते हो। अगर आपका हिमाचल में स्कूल लेक्चरर बनने का सपना चला गया है, किसी वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, बट आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि आप चंडीगढ़ में आने वाली टीजीटी पीजीटी को टारगेट कर सकते हो, साथ के साथ केंद्रीय विद्यालय स्कूल केवीएस एनवीएस को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी जैसे वैकेंसीज आई थी टीजीटी की, तो अभी वैकेंसीज आई नहीं है 5 साल से, बट अभी लास्ट जून में पेपर होके गया है चंडीगढ़ टीजीटी का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने पेपर निकाला है, बहुत सारे बच्चों में 300 कुछ वैकेंसीज आई थी टीजीटी की, ठीक है, तो उसमें 300 बच्चे तो वो गवर्नमेंट जॉब लेके गए हैं ना, ठीक है, वो हिमाचल से भी थे, पंजाब से भी थे और अदर कितनी सिटीज से थे, तो अगर आप इन बिटवीन साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन करते करते आप चंडीगढ़ टीजीटी को, कि मेन सब्जेक्ट का तो देखो सिलेबस सेम है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री जब आपने +1 +2 से लेके ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल तक कर ली, तो आप कोई भी टीजीटी आए पीजीटी आए किसी को भी टारगेट कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग फिजिक्स पढ़ा रही हूँ अगर मैं, तो मैं आपको +1 +2 से लेके ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल तक जब कोई चीज करवा दी ना, ठीक है, जब आपने ये वाला चीज कर ली, 11th 12th कर लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आपने मास्टर्स लेवल तक कर ली, तो कोई भी एग्जाम आए, चाहे टीजीटी का आए, चाहे पीजीटी का आए, चाहे आपकी स्टेट हिमाचल में आ रहा है, चाहे सेंट्रल स्टेट में आ रहा है, चाहे चंडीगढ़ में आ रहा है, तो हम लोग किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ वैकेंसीज हिमाचल में ही है, आसपास नजरें घुमाओ, बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी चंडीगढ़ में आ रही है, केवीएस एनवीएस में कभी मर्जी निकल सकती है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, बट स्टार्ट आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करो कि मेन देखो टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, मेन टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, चाहे आपको सेंट्रल स्टेट में मिल रही है, चाहे आपको अपनी स्टेट में मिल रही है, एक बार सेंट्रल स्टेट की जॉब अगर मिल गई, वापस से थोड़ी और प्रिपरेशन करेंगे, अपनी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब ले जाएंगे, ठीक है, तो मेन मोटिव रखो कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बट प्रेपरेशन उस लेवल की रखनी है आपने, ठीक है, सिर्फ 11th 12th का नहीं, आप तो मास्टर्स लेवल तक चीजें करो, जो स्टूडेंट ने मास्टर्स कर रखी है ना, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है उनके लिए तो सजेशन है कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक रखो अपनी प्रिपरेशन, कि जितने भी टीजीटी के लेवल आएंगे सबको टारगेट हो जाएगा, बट जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, किसी ने एमएससी केमिस्ट्री की है, एमएससी फिजिक्स किया है, या एमए हिस्ट्री पॉलिटी किया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अप टू मास्टर्स लेवल तक लेके जाओ, ताकि आप कोई भी एग्जाम आए, चाहे टीजीटी का आए पीजीटी का आए, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर किसी ने, वैसे अभी रिसेंटली किसी ने दिया था चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी का पेपर, या कोई पीजीटी का स्टूडेंट हो जिन्होंने पीजीटी वगैरह का पेपर दिया हो, नो मैम,
ओके अभी बिल्कुल ही फ्रेश है। किसी ने दिया है चंडीगढ़ टीजीटी का या कोई और पेपर? नो मैम, मैम एचपी पीजीटी का दिया था अभी रिसेंटली मैम, ओके, कौन से सब्जेक्ट से हो आप? कैसा केमिस्ट्री गया आपका एक्सपीरियंस? मैम। इट वाज गुड, पेपर वन वाज गुड, पर पेपर टू के लिए आई आई वाज डूइंग माय रेगुलर बीएड, सो आई कुडंट गेट टाइम सफिशिएंट टाइम। ओके, पीजीटी लाइक पीजीटी केमिस्ट्री के बाद सारे पीजीटी के लिए तो लेवल तो एक्चुअली सारा मास्टर्स लेवल तक का ही था। यस मैम, पूरा का पूरा वही था, पर वहां जाके थोड़ा सा ये हुआ कि हम जब पेपर पे बैठे तो वहां दो सेक्शंस करके था, बायोकेमिस्ट्री प्लस, मतलब जो बायो के स्टूडेंट्स हैं बायोकेमिस्ट्री ले लो, और दूसरा शायद बायोलॉजी करके था, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वो थोड़ा 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 सा लगा कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि हमें बताया नहीं था ना, कि ऐसे मैं वीडियोस देखती रहती थी तो पता नहीं था कि बायोकेमिस्ट्री से अलग क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस अब ऐसे वो ऐसे करके। ऑप्शनल में, यस ऑप्शनल में रखा गया था। जैसे अब देखो पीजीटी का ही आप एग्जांपल ले लो, अगर आप, हम लोग अपनी चैनल पे यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं बच्चों को जस्ट बताने के लिए कि आपका ये लेवल रहेगा। अब हम लोगों ने पीजीटी के टाइम भी बच्चों को यही चीज बताई थी कि जो लेवल है ना वो टोटली मास्टर्स लेवल रहने वाला है, कोई प्लस वन प्लस टू ग्रेजुएशन नहीं आएगा। और वही चीज हुई, आप सिलेबस उठा के देख लो और हमारे चैनल पे देख लो, दोनों सेम चीज है। तो सेम एज इट इज टीजीटी के लिए आप लोगों के लिए है कि अगर आप ग्रेजुएशन तक कर गए, ठीक है, इससे बाहर सिलेबस में नहीं आएगा कुछ भी, यस मैम, ओके मैम, ठीक है। बाकी रास्ते आपके लिए इतने आसपास खुले हुए हैं ना, उनको कैच करना है आपने, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखो कि आसपास के सभी वैकेंसीज को टारगेट करना है आपने। बाकी सेकेंडली एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ बीच में कि जैसे हम प्लस वन प्लस टू को टारगेट करते हैं, मान लीजिए सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि प्लस वन प्लस टू बेस है, लेकिन आप चाहे केमिस्ट्री हो, मैं नेहा से ही बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो नेहा जैसे इट इज केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि देर इज वन बुक और वन पब्लिशर, उसने क्या किया है कि ऑल टुगेदर उसने सारे सिलेबस को एक ही चैप्टर में डाल दिया हुआ है किसी को भी। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो सिलेबस बढ़ता जाता है, और जैसे हम और लेवल अप करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो सिलेबस का जो लेवल है वो बिल्कुल एडवांस हो जाता है। अब सोचने वाली बात यही है कि जब हम एडवांस लेवल पे चीजें करते हैं तो जो नीचे प्लस वन प्लस टू में जो बेसिक्स है ना, उनकी क्लैरिटी बड़ी ज्यादा होती है, बहुत ही अच्छे से। तो एक एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आई बिलोंग टू लाइफ साइंसेस, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस ही है, तो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन है इसका CO2 का वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज बनाना, है ना, ये सिंपल है प्लस वन प्लस टू लेवल पे। लेकिन जब आप इसी चीज को आप बड़े लेवल पे लेके जाओगे तो आप इस प्रोसेस को किसी और ही नजर से देखोगे, आप इसको टोटली बायोकेमिस्ट्री लेवल पे देखोगे जाके। अभी प्लस और पेपर जो आएगा वो किसी भी चीज को पूछा जा सकता है, मतलब अब सवाल ये है कि एक छोटी सी इक्वेशन जो हमें सिर्फ ये बात बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो वहां पे जाके हमें पता चलता है कि यार एटीपी के नाम की भी कोई चीज होती है, एनएडीपीएस नाम की भी कोई चीज है, एनएडीपीएच टू भी कोई चीज है। तो वैसे वैसे जब हम अपर लेवल की बात करते हैं तो बंसल एकेडमी का बेसिकली फनल यही है कि हम ये चाहते हैं कि एक अपर लेवल डिसाइड हो और उस लेवल से चीजें नीचे की तरफ जाएं और बच्चे का कुछ भी एक ऐसा कंसेप्ट ना छूटे, या वो कंसेप्ट बिल्डिंग इतनी अच्छे से करे कि जब पेपर में बैठे तो उसको पता हो कि मैं एक्चुअल में करना है। मैम ने एक बात आपको बड़े इनिशियली शुरू में बोली थी, आपने बहुत शुरू से ज्वाइन किया हुआ है ये वेबिनार, मैम ने एक बात बोली थी कि जब आप पेपर में बैठे हो ना उस टाइम पे हाथ चलना चाहिए, दिमाग नहीं। तो वो यही एक प्रिपरेशन है, दिमाग तब तभी रुकेगा वहां पे जब हमने उस चीज को एडवांस लेवल को अपने अंदर डाल लिया वो सारा, और टिप्स पे सारी चीजें कर ली हुई हैं। तो हाथ उसी टाइम पे चल सकता है जब हम अपना फनल पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके नीचे की तरफ को लेके आए। तो नेहा ये जो चीजें हैं बेसिकली क्या है कि वेबिनार का पर्पस यही है कि
स्टूडेंट्स देखो, अब लाखों स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नॉट एवरीवन इज गोइंग टू क्वालिफाई। क्वालिफाई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको एक्चुअल में ये आइडिया है कि हमने ऊपर वाले लेवल से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाना है। और लेकिन हो क्या रहा है, मार्केट में हर चीज उल्टी चल रही है, हर चीज उल्टी चल रही है। वो सारे लोग प्लस वन प्लस टू को लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ वो सोच रहे हैं कि प्लस वन प्लस टू तो चलो उसमें से पेपर आएगा, अगर हम नीट का लेवल भी थोड़ा सा कर लिया तब भी हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। सो दिस इज मतलब ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। और दूसरी बात, मार्केट में और कई चीजें ऐसी चल रही हैं, जैसे प्लस वन प्लस टू लेवल तो है ही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइन करना। लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस, कहीं से भी जो सोर्स मिला वहां से क्वेश्चन इकट्ठे किए, बच्चे अपने स्टूडेंट्स को दे दिए। अब उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब हम अपने बच्चों को वो क्वेश्चंस दे देते हैं, मान लो मैंने सपोज आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स एंड गिविंग 1000 क्वेश्चंस टू माय स्टूडेंट्स, अब उसमें इस बात को जरा सारे लोग आप ध्यान से सुनिएगा कि 1000 क्वेश्चंस में से मैंने क्या किया, मेरे पास ओनली 200 क्वेश्चंस थे जो जिनका कोई स्टैंडर्ड था प्रॉपर, एंड 800 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका स्टैंडर्ड कोई नहीं था, वो किसी लेवल के नहीं थे, वो प्लस वन प्लस टू कह लो, नीट कह लो, सब कुछ था। अब आप तैयारी कर रहे हो, अब आप मेन मुद्दे पे आइए, जब आप तैयारी कर रहे हो आपने वो 800 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और 200 क्वेश्चंस जो आप सॉल्व अच्छे से करने थे, जो एक्चुअल में करने थे, उसमें से आपने मान लो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब बचे कितने, 150 क्वेश्चन बच गए हमारे पास। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं उस चीज को पेपर के कंपैरेटिव पैरेलली देखूं, तो मान लीजिए अगर 150 नंबर का पेपर है सपोज करो, और उसमें से कट ऑफ जाती है 90 मार्क्स की, है ना, तो या फिर 100 में से 60 लेता हूं मैं, 100 में से 60 है तो 72 जैसे मैम ने कहा था कि कट ऑफ गई है, तो आपके तो 1000 में से अगर मैं उसको देखूं तो 80% क्वेश्चन तो आप बड़ी आराम से सॉल्व कर रहे हो, प्लस 50 और कर रहे हो तो 85% क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो बड़े आराम से। आप तैयारी के दौरान आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा, आपको पता होगा कि आपकी जो आप मेरिट में आने वाले हो, आपको ये भ्रम रहेगा कि आप मेरिट में आओगे, क्योंकि आप आपने क्या किया, आपने सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस 800 सॉल्व कर लिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस अप गया, आपको ये लगना शुरू हुआ कि आपका जो लेवल है वो आप चला जाएगा, मतलब आपकी सिलेक्शन पक्की है। लेकिन जब पेपर एक्चुअल में आता है तो उस टाइम पे आप जो लोग देखते हो कि क्वेश्चन जो है वो तो जो लास्ट 200 वाले क्वेश्चन हैं उसमें से पेपर आ रहा है, और उसमें से 50 आप कर रहे हो, मतलब आपने देखा कि वहां पे आप मतलब 50-60% आप कर पा रहे हो उनमें से, क्योंकि आपने 50 सॉल्व किए थे वैसे ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। अब कोई भी बच्चा जो पेपर में देने जाता है, ऐसा तो होता नहीं है कभी भी कि उसके 100 में से 20 नंबर ही आते हैं, 10 ही आते हैं, आपने देखा होगा उनके 40 और 70 के बीच में फंस जाते हैं, वो 60 के बीच में। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो दे आर मस्ट, तो वो जो एडवांस लेवल प्रिपरेशन है ये सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप लोग तैयारी कोई भी कर रहे हैं तो आप उस तैयारी में ये चीज सोचिए कि आपने एक्चुअल में क्या चीज करनी है ढंग से, एक सिलेबस को और एक क्वेश्चंस को, दो चीजों पे, कंटेंट पे और क्वेश्चंस पे, ये फोकस आपका हमेशा बना रहना चाहिए। जैसे ही आप इससे फोकस हटेगा आपका, इट विल बी अ डेंजरस थिंग। कोई और क्वेश्चन है तो मैम से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम इज स्टिल देयर, तो रमन आप कंटिन्यू करो, आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई बच्चा पूछेगा तो अगर मेरे लाइक होगा कुछ तो मैं आई विल डेफिनेटली आंसर। मैम आप आवाज नहीं आ रही है। रमन मैम अनम्यूट कर लो अपने आपको। यस, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, हमारे पास हमारे टीचर्स भी हैं सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल, आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम हाँ जी हाँ जी, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कहाँ से पढ़े मैम?
ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कहाँ से पढ़े? आप कौन से मेडिकल के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल आर्ट्स के? आर्ट्स को आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं। हम लोग आपके साथ, मैंने बोला था ना कि एंड में आपको सिलेक्शन शेयर करूंगी, बुक्स की सिलेक्शन, की कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या सिलेबस पढ़ना है ग्रेजुएशन का, हर एक चीज शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे जैसे हमारी जो टीम है ना, सारी लाइक CSIR या नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे, तो वो आपको गाइड करेंगे, आपको बुक्स की सिलेक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि ऐसी बुक्स हैं जिससे बाहर नहीं आएगा कंटेंट। आप रमन, इनकी ना नीलम की अपने टीचर्स के साथ इनको एक बार इंटरेक्ट भी करवा दीजिएगा, ताकि अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी इनको मतलब तैयारी में कोई भी जैसे बुक्स का या फिर कोई भी मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए हो किसी तरह की भी, तो टीचर से आप बेफिक्र होके पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी आप अपनी रखिएगा फिर ना। सर हाँ, तो नीलम से आप कांटेक्ट रखिएगा, ताकि आपका ये मतलब गौरव सर जितने है भी और जितने भी सर टीचर्स हैं उनके साथ सबके साथ बात कराइए। बाकी जितने भी स्टूडेंट ने आज वेबिनार ज्वाइन किया है, मेरे को लास्ट में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, वो शायद अगर आपने नोट कर लिया होगा, 9056822014 वाला नंबर है, उस पे मेरे को हाई लिख के भेज देना। जो भी हमारा फ्री मटेरियल है वो कम्युनिटी ग्रुप में भी, और मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगी। ओके मैम जी, वो जो नंबर मैम आपने स्क्रीन पे मेंशन किया था वही नंबर है ना मैम? हाँ जी, मैं मैसेज पे भी लिख देती हूँ, सारे स्टूडेंट मेरे को इस नंबर पे, मैं मैसेज कर रही हूँ, आप इस पे मेरे को हाई लिख के भेज देना। सारा जो मैंने आपको बोला था, सिलेबस वगैरह, हर एक चीज आपको मैं शेयर कर दूंगी। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी तरह की भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारे से ले सकते हैं, और हम आपको सिर्फ इतना श्योर कर सकते हैं कि आप लोगों में वो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी पेपर निकाल सकते हैं। और दूसरा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पे फोकस मत करिए, आप KVS, NVS, EMRS, RMS जितने भी पेपर्स हैं, और उसके अलावा आपका HPTGT का एग्जाम है या PGT के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, आप उस पे भी फोकस रखिए। क्योंकि देखिए, अगर नौकरी पहले कहीं और लग गई तो जब भी TGT निकलेगा तो आप वहां पे भी दोबारा फिर पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो मौका आपने कोई नहीं छोड़ना है, और सारे पेपर्स आपने भरने हैं, देते रहना है, आपने ऐसा नहीं करना कि फिल नहीं करने हैं। आप फिल करिए पेपर, और पेपर अटेम्प्ट जरूर करिए, और डिफरेंट डिफरेंट पेपर देके देखिए, कहीं पे भी नंबर आ सकता है आपका। और ये मत निराश होइएगा कि नौकरी नहीं निकल रही है, जॉब निकलेगी नहीं, जॉब 100% निकलेगी। देखो, सरकार को भी आपके वोट चाहिए होते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिए, और अगर उनके वोट्स आपको चाहिए तो वो आपके पास नौकरी तो लेकर आएंगे आएंगे हर हाल में, वो जब मर्जी लाए लेके आएंगे। तो आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यस, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बस प्रोवाइडेड कंसिस्टेंटली आप स्टडी करिए। डाउट्स हो कभी भी तो रमन मैम इज देयर, यू कैन आस्क हर, शी इज डेफिनेटली हेल्प यू आउट। जैसे हम लोग क्लासेस भी लगाते हैं ना, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, तो हम लोग कंटेंट है पहले तो अप टू द मार्क रहता है, ऐसा कि एक सिंगल चीज भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी टाइम आप अपना हमें बताओ, हम लोग उस अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बनाएंगे, और एग्जाम तक की कंटिन्यूटी हमारी रहती है बच्चों के साथ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट माय क्वायरी इज मैम दैट व्हाट विल बी द फी स्ट्रक्चर एंड विल यू गाइड अस रेगुलर लाइक ऑन रेगुलर बेसिस टिल वी क्रैक आवर एग्जाम? लाइक प्लीज कैन यू प्लीज इलैबोरेट इट, हाउ विल यू गाइड अस द रोड श्री मैप श्री एक्सेट्रा? श्रीया, देखिए, द वन थिंग इज के इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीजीटी एग्जाम, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर HPTGT और एनी अदर एग्जाम? सिर्फ फॉर HPTGT आर्ट्स? हाँ, HPTGT आर्ट्स है ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HPTGT आर्ट्स। सो द थिंग इज के व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इज, सी वी हैव सेट सम स्टैंडर्ड्स, एंड अकॉर्डिंग टू दो स्टैंडर्ड्स व्हाट वी हैव डन इज वी आर फोकसिंग ऑन कंटेंट। ओके सर, कंटेंट कंटेंट इज मस्ट फॉर अस, वी कैन नॉट लिव विदाउट कंटेंट। फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, देन आवर एकेडमी कैन नॉट लिव विदाउट कंटेंट। एंड सेकंड इज क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बिकॉज़ देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स।
है ना, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट की फैक्टर टू क्रैक एनी एग्जाम, टाइम फैक्टर. सो अर्लियर आई हैड गिवन वन एग्जांपल दैट इफ यू आर अटेम्प्टिंग अननेसेसरी क्वेश्चंस और अनवांटेड क्वेश्चंस और सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. दिस इज पॉइंट वन. सो यू नीड गाइडेंस दैट विल बी टिल एग्जाम. Yes, we will provide you the schedule, and according to that schedule, if you need any help in any time of your course, you're running Vedana, we'll provide you that help. Because this is not only you cracking the exam, this is basically us who are cracking the exam every day. Because you are not a single student, there are number of students who has aspired for cracking HPTGT or other exams. But the thing is ki that is not their dream, that is also our dream. Because if you get qualified, we will get references from you people. Okay. Na? Dekho, aisa ye to ek, matlab, this is, there is a term barter. Barter means ke exchange of goods. तो ये तो ऐसे ही रहता है कि देखो हम अच्छा काम करेंगे, आपकी सिलेक्शन होगी तो आपसे हमें बच्चे मिलेंगे. अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे ना, तो किसी, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे रेफरेंस नहीं मिलता है. तो आपकी जो गाइडेंस और मेंटरशिप आपको जो चाहिए, मान लो कि कैसे कैसे रहेगी, एक तो शेड्यूल के बेसिस पे रहेगी, एक वो करेंगे कंटेंट और क्वेश्चन जैसे मिलेंगे जो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा फिर. और दूसरी बात यह है कि आपको जो जो आपकी मतलब एक बार सिलेबस फिनिश करने के बीच में, फिर आपकी जो रिविजन्स के बीच में, डाउट सेशंस के बीच में, कहीं भी हमारी हेल्प की जैसे भी जरूरत पड़ती है, वी विल बी राइट देयर. ऐसा नहीं है कि हम मतलब वैसे करेंगे बात, आज बात कर रहे हैं आपको, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चलो अब वेबिनार है तो उसमें ऐसा बोल रहे हैं. अगर हमें अंदाजा भी कहीं हो जाए ना कि हमारे से कोई गलती हो रही है, मैं आपको एक फ्रेंकली एक ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, अगर हमें अंदाजा भी हो जाए कहीं से कि हमारे से गलती हो रही है कहीं पे और ये चीज बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो हम उस गलती को वहीं पे कट करके हम इम्प्रोवाइज करते हैं साथ के साथ ही, कि बच्चों के लिए जरूरी क्या है, बच्चे कैसे उस चीज को, मतलब उस चीज से बच्चों का क्या फायदा हो सकता है, पेपर कैसे क्रैक हो सकता है. तो अल्टीमेट एम इज जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन क्वेश्चंस और जेन्युइनली एक डाउट सॉल्विंग बच्चों की, और उनके साथ उनके हर उस टाइम पे सपोर्ट बनना जब उनको जरूरत है. देखो हम आपको सिलेबस, वन मोर क्वेरी प्लीज. हां जी, हां जी सर, कैन यू प्लीज टेल मी द नंबर, लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम थ्रू योर गाइडेंस और थ्रू योर एकेडमी? कैन यू, हां यस 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 रमन प्लीज बताना जरा. 1000 के 1000 स्टूडेंट्स हैं. जैसे अभी रिसेंटली जो मैंने अभी बताया, हिमाचल में जो रिसेंट रिजल्ट है वो पीजीटी के रिजल्ट है, फिजिक्स का ही आया है, हिंदी का हमने करवाया नहीं था. तो फिजिक्स के हमारे देख लो अभी कितने, 15 के अराउंड बच्चे हैं जो पेपर क्रैक कर गए. Okay. अभी तक बहुत, हम लोग सेम फील्ड में 18 ईयर से हैं, तो कंटेंट की तो हमारी श्योरिटी है. बाकी देखो, अबरा ने पूछा है कि बैच की फीस क्या है और कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी. मैं एक बार थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स को एक बार गाइड कर देती हूँ. जैसे आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, हम लोग आपने आपके डेली के 4-5 आवर्स लेने हैं, जिसमें हम लोग 2 घंटे आपकी तैयारी करवाएंगे पेपर 1 के लिए. पेपर 1 में आपके जैसे हिमाचल जीके है, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आ जाएंगे. और सेकंड चीज आपकी क्या रहेगी, 2-3 घंटे हम लोग लेते हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है. वो आपका जैसे अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आ जाएंगे, अगर नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट के लिए रहेगा और अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है. उसमें हम लोग प्रोवाइड भी ऐसा ही करते हैं, जैसे टॉपिक हुआ क्या, फिर उसके आपको नोट्स मिलेंगे रिवीजन के लिए, फिर उसको आपकी एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसी टॉपिक की, फिर उसका लाइफ टाइमर के साथ टेस्ट होगा वीक में ही आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए. जहां पे हमें लग रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो चीजें कैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में नहीं कर पा रहा, वहां पे फिर साथ के साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ जाते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए. ऐसे हम लोग आपका टोटल 4-5 मंथ्स में एक बार सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे. बट ये नहीं है देखो कि 4-5 मंथ्स बाद हमने छोड़ दिया, नहीं,
हमारा मोटो प्रेपरेशन कराना नहीं है, हमारा मोटो आपकी गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप, आपको भी पता है कि अगर हम लोग 5-7 दिन का, 10 दिन का गैप डाल दें तो वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। तो हम लोग आपकी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेंगे एग्जाम तक। तो चाहे एग्जाम आज से 1 साल में आए, चाहे 1.5 साल में आए, चाहे 8 से 9 मंथ में आए, तो आपका जो क्लासेस हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे तो बैक टू बैक बैचेस चलते रहते हैं, एक बैच खत्म हुआ दोबारा से आ जाएगा, अब उस बैच में आपकी रिवीजन है, न्यू बच्चों के लिए वो फ्रेश बैच है, तो एग्जाम तक आपकी कंटिन्यूटी बनेगी और आपको बनानी है, ठीक है। हम लोग तो दे ही रहे हैं, आप लोगों को भी बनानी है, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं मिला पेपर नहीं क्रैक हो सकता। तो एग्जाम तक की कंटिन्यूटी टिल एग्जाम का बैच रहेगा, ठीक है। प्लस साथ के साथ देखो, हमारी जो फीस है वो टोटल 32,000 है, बट आपको जो फीस अभी डिस्काउंट पे चल रही है वो 15,000 है, ठीक है। बट अगर आप आज भी ज्वाइन कर लेते हो ना, आज ऑन द स्पॉट जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उनको हम लोग 12,000 में बैच दे रहे हैं कंप्लीट। आपको कंप्लीट 12,000 में, वो भी आप पेमेंट करोगे अभी, और साथ के साथ एग्जाम तक की कंटिन्यूटी आपके साथ बनेगी, ठीक है। ये नहीं है बीच में आपकी क्लासेस छोड़ दी, नहीं, वो चीज का फंडा नहीं है, हमारा एग्जाम तक की प्रिपरेशन आपकी रहेगी। और इतना कंटेंट हमारा रहेगा कि आपको सिंगल चीज भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारी श्योरिटी है उस चीज की। कहीं पे आपको लग रहा है, ठीक है, आप हमें नंबर ऑफ आवर्स कम दे रहे हो, ठीक है, आप नंबर ऑफ आवर्स उतने नहीं दे पा रहे हो, आप हमें बताओ, हम लोग आपके अकॉर्डिंग शेड्यूल बना देंगे, उस चीज का कोई वो नहीं है इशू। ओके मैम, सो लाइक यू आर सेइंग लाइक इफ आई विल पे 12,000 राइट नाउ, सो मीन्स लाइक आई ओनली हैव टू पे दिस 12,000 ओनली अनटिल माय एग्जाम गॉट क्रैक, और आई हैव टू यस, गिव यू नो लाइक एक्स्ट्रा मनी, और आई हैव टू पे दिस 12,000 अगेन एंड अगेन नो अनटिल नो द नो एग्जाम गॉट क्रैक विद इन 6 months और श्रिया, विद श्रिया इन ईयर। दिस फीस फॉर लाइव बैच 12,000 एंड द वैलिडिटी ऑफ लाइव बैचेस फॉर 1 ईयर, रमन ठीक है ना बात? ये यस सर, वैलिडिटी ऑफ लाइव बैचेस फॉर 1 ईयर एंड देन सपोज एग्जाम इज हैपनिंग आफ्टर 1.5 ईयर और 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स ओके, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 ईयर यू विल बी ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू रिकॉर्डेड बैच ऑफ लाइव बैच। मतलब ऐसा होगा कि उसमें क्या होगा कि जो नेक्स्ट लाइव बैच चल रहा होगा उसके सारे लेक्चर जितने भी हैं वो अपडेटेड आपको उस रिकॉर्डेड बैच में मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि वी वी कैन कीप ओनली लाइव बैच फॉर 1 ईयर अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ ग्रेफी इंटरनेशनल, उनके साथ हमारा टाई अप है, तो आफ्टर दैट दे चार्ज, बट हम अपने स्टूडेंट्स को चार्ज नहीं करते हैं। आफ्टर 1 ईयर यू विल बी देयर बट इन रिकॉर्डेड बैच, तो उसमें क्या है कि उसमें हम उनके आपके उतने पैसे 500 रुपीज हम उनको पे कर देते हैं, 4% ऑफ योर फी हम उनको पे कर देते हैं ताकि स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा रहे और टिल एंड वो तैयारी करता रहे, तो उसमें स्टूडेंट की सरदर्दी कोई नहीं होती है, आपको सिर्फ एक ही बार फीस वन पे टाइम करनी पे है होता एग्जाम तक के लिए। है। हाँ ओके मैम, थैंक यू सो मच। बाकी किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है स्टिल, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप मेरे को सभी स्टूडेंट मैसेजेस भेज देना ताकि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं, सिलेबस वगैरह जो भी मैंने आपको बताया था। मैम वन वन क्वेश्चन मैम, हाँ जैसे जी, यू हैव सेड दैट कि 4 to 5 hours फॉर पेपर वन एंड 2 to 3 hours फॉर पेपर टू, नो दैट टोटल नहीं, टोटल 4 to 5 hours पर डे, लाइक 2 hours पर पेपर वन एंड 3 hours पर पेपर टू। ओके ओके ओके, आई वाज थिंकिंग कि 4 to 5 फॉर पेपर वन एंड 2 to, दैट मीन इट विल टेक 8 hours फॉर नोट्स मेकिंग, द मैन नेहा, विल बी स्टडी। ओके ओके, नेहा वन इज वन वन थिंग जस्ट नोट डाउन, यू नीड नॉट टू स्टडी फॉर 5 hours अ डे एक्चुअली। ओके सर, इफ इफ यू आर स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 2.5 hours पर डे एक्सक्लूडिंग क्लासेस, 2.5 hour और 2 hours एक्सक्लूडिंग क्लासेस, बट देर इज वन कंडीशन, कंडीशन इज इफ यू आर कंसिस्टेंट विद योर क्लासेस योर 2 hours टिल डेट मीन्स एग्जाम डे, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जाम, आई कैन अश्योर यू दैट, बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बोथ आर रिक्वायर्ड।
एनीवन, आप में से जितने भी लोग अभी बैठे सुन रहे हैं उनके लिए ये एक मूल मंत्र भी कह लो इसको, और ये बात आप इसको सीक्रेट फॉर्मूला भी कह लो कि अगर आप अपनी क्लासेस के अलावा 2 आवर्स पर डे टिल एग्जाम अगर कंसिस्टेंटली, देखो कोई बहाना शादी का नहीं किसी का कि मैरिज में जाना है, मैरिज से आए हैं, आज बुखार है, आज सर दर्द है, आज मूवी देखनी है, आज बर्थडे पार्टी है, आज नानी के यहाँ जाना है, मतलब कोई भी बहाना नहीं। अगर आप रात को 1 बजे कहीं से शादी अटेंड करके आ रहे हो तो यू स्टडी फॉर 2 आवर्स 1, 2, 3 एंड देन स्लीप वेल, गुड नाइट, वो बेहतर आप लोगों के लिए। लेकिन आपको किसी या फिर शादी में जाने से पहले 2 घंटे लगा लो। अगर आप इस फॉर्मूला के साथ चलेंगे, ये नहीं कि किसी एक दिन आपने पता लगा कि आपने 10 आवर्स इकट्ठे कर लिए और आप बोलो मैंने 5 दिन का काम तो इकट्ठे कर लिया, हो गया मेरा काम, अब नहीं पढ़ना मैंने, फिर नहीं, फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, फिर नहीं पेपर क्रैक होगा। पेपर क्रैक तभी होगा जब आप 2 आवर्स अ डे, मतलब मेरा कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, बस वो भी डेली। देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ या फैक्ट्स ऑफ मेमोरी, वी कैन ओनली रिटेन 9% आफ्टर 10 डेज और 18 दिन बाद तो हम 1% पे आ जाते हैं। तो अगर हम 2 आवर्स पर डे रखेंगे, तो मैम ने एक आपसे साथ बात शेयर की थी कि आज का जो आज कराया वो तो करना ही है, जो पिछला कराया वो भी देखना है, तो 2 आवर्स में वही काम करने हैं, आज कराया वो देखा, पिछला भी देखा, साथ साथ चलते गए, उसको नजर मारनी है सिर्फ, बस। बाकी तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। अभी तो चलो हमने अपने इसमें यही किया है कि आपको बताया कि कैसे कैसे करना है। अभी तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको पढ़ना सीखना है, बेसिकली मैं लिटरली आई कैन से पढ़ना सीखना है, तो हाउ टू स्टडी, हाउ टू रीड, ये बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर अभी आपको काम करना है। इंडिविजुअली आई डोंट नो कि हाउ टू रीड और हाउ डू स्टडी और व्हाट इज योर रीडिंग हैबिट, तो अगर ये सारी चीजें, इनके ऊपर काम करना जरूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बच्चा जब बोलता है ना, उसको बोलते हैं कि बच्चा बोलता है कि पापा गाड़ी सीखनी है, तो पापा कभी स्टेयरिंग पे थोड़ी बिठाते हैं, वो कहते हैं बेटा पहले कपड़ा मार के आ थोड़ा सा, है ना, या टायर की हवा चेक कर ले, या देख शीशे गंदे तो नहीं है गाड़ी के, ये टायरों में हवा है या नहीं है। ये सारी चीजें किस लिए है, ये सारी चीजें ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आप लोग तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हो, इनको आपको रीडिंग करनी कैसे है, 1 मिनट में कितना रीड करना है, और रीड करने का मेथड क्या है, रीड कर रहे हो या रिकॉल कर रहे हो, 2 चीजें होती हैं, और रिकॉल करके फिर उसको याद करने की कोशिश आप कर रहे हो, जोर लगा रहे हो दिमाग पे, कैसे याद नहीं आ रहा यार ये क्या है। फिर आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, 8 निकलते नहीं है, तो आप सोचना शुरू हो जाते हो कि शायद थ्योरी गलत है हमारी, ये हमें शायद थ्योरी नहीं आती, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिसपे आप लोगों को काम करना है। तो ठीक है, अभी आप रमन मैम से बात करिए, तो आप अपने ऊपर काम करिए सबसे पहले, और होप आप सारे बच्चे पेपर क्रैक करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। रमन मैम, ओवर टू यू। सर वेट। सर माय फादर इज सिटिंग विद मी एंड ही हैज वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। यस यस सर। डेफिनेटली सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है जनाब जी, हाउ द चिल्ड्रन विल बी